तो गाइस अभी हम जा रहे हैं इस्तांबुल। टॉयलेट में रिकॉर्डिंग कर रहा, सोचो। हम लोग टर्मिनल 21 बिल्डिंग के पास खड़े और अभी हम लोग ऊपर जाने वाले हैं। तो ऊपर जाने का मेन मकसद ये है कि एकदम टॉप फ्लोर पे जाएंगे हम लोग। इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ऊपर जाने से हमको पूरा ये जो नाकोन रस्सी का जो व्यू है पूरा देखने मिलेगा। इसका जो इनिशियल नेम है वो है कोरट, कोरट शॉर्ट में, शॉर्ट जो नाम है कोरट नाम है, क्योंकि नाकोन रस्सी में बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए इसका जो इनिशियल नाम है वो है कोरट। तो चलो चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसा ये मॉल। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डेस्क की बहुत अच्छी बात है, हर एक मॉल में ऐसा इन्फॉर्मेशन डेस्क होना चाहिए, क्योंकि मॉल में बहुत सारी चीज़ें होती है और लोगों को पता नहीं रहता कि कहाँ पर कौन सी चीज़ मिलेगी। तो इसलिए जब मैं भी मॉल में जाता हूँ तो पूरा घूमते रहता, पता नहीं चलता किधर कौन सा कपड़ा मिलेगा, कौन सा ब्रांड का किधर स्टोर है। तो ये इन्फॉर्मेशन डेस्क से हमें पता चल जाता है कि किधर क्या है। हर एक मॉल में होना चाहिए ऐसा, क्योंकि मैं और मेरे दोस्त जब भी जाते हैं हम लोग मॉल में, तो हम लोग का मतलब यही रहता है कि चलो कॉफ़ी पियेंगे या कपड़े खरीदेंगे तो जूते देखेंगे। एक्चुअल में पता नहीं चलता है कि कपड़े वो जो लेने हैं कहाँ पर है, जूते लेने हैं वो कहाँ पर है, और कॉफ़ी अगर पीना है तो कहाँ पर है। तो पूरा मॉल घूमना पड़ता है, तब जाके पूरा ढूंढ के तब जाके पता चलता है कि हाँ इधर आ गया कपड़े की दुकान, इधर आ गया जूते की दुकान, इधर आ गया कॉफ़ी की दुकान। तो ये अच्छा इन्फॉर्मेशन डेस्क एकदम सही जगह बताते हैं कि फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर पे आप जाइए और राइट साइड में सेकंड शॉप या थर्ड शॉप है कॉफ़ी की दुकान। तो बहुत बढ़िया है। आओ कैफ़े अमेजोन, खलास कैफ़े अमेजोन में लेके आ गई हमें, यानी बहुत महंगी कॉफ़ी पड़ने वाली है। देखते 70 बात का चाय पिया था मैंने पहले, अब देखते कॉफ़ी पिया था, अब देखते यार कैफे में तो बहुत महंगा ही पड़ता है, देख लेते। देखिए कैपेचिनो का यहाँ पे प्राइस है 50 और फुल है 70, यानी वही है सेम भाव है। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं फिफ्थ फ्लोर पर, और जो ऊपर से जो व्यू मिलेगा सिटी का देखने का, यानी कोराट सिटी का जो व्यू है ऊपर से काफ़ी खूबसूरत दिखेगा। टर्मिनल 21 कोराट। अब हम जा रहे हैं स्काईडेक की तरफ जिसकी एंट्री बिल्कुल फ्री है। तो जैसे सिंगापुर में देखा था हमने स्काईडेक, बस यहाँ पर अभी वैसे ही। तीन फ्लोर पर शायद पहले 5 माला चढ़ना पड़ता है और उसके बाद और 7-8 माला जाना पड़ता है ऊपर। तो ये शायद 13 फ्लोर पर है हम लोग, और 13 फ्लोर पर इसका स्काई डेक है। तो बहुत बढ़िया व्यू देखने मिल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना खूबसूरत व्यू है इसका। तो देखिए कितना शानदार व्यू है यहाँ का, मतलब एक अलग ही नज़ारा देखने मिल रहा है, एकदम खूबसूरत व्यू है। मतलब क्या बोलूँ मैं, सोचा भी नहीं था यहाँ पर आने का मौका मिलेगा। और ये देखिए यहाँ पर दूरबीन भी, यानी आप दूर की चीज़ जो पास में दिखती है वो आप देख सकते हो। तो शाम को तो खूबसूरत नज़ारा रहता ही है, लेकिन रात को भी यार एकदम मस्त दिख रहा है। मुझे मलेशिया और सिंगापुर की याद आ गई, बाकी जो स्काई डेक था ये तो फुल मलेशिया जैसा ही है, राउंड एकदम। लेकिन मज़ा आ गया यार, मेरा मतलब आज नूम और बूम ने मेरा दिन बना दिया, मेरा और जीन का। तो मैं जितना मैंने कहा ना, जितना मेरे मतलब जितना बोलूँगा उतना कम है इन फैमिली के बारे में, मतलब इतना ये लोगों ने हमारे लिए किया, क्या बताओ अभी, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, मतलब वर्ड ही नहीं है। क्या खूबसूरत जगह है यार, ज़बरदस्त। इस 110 मीटर लंबे स्काईडेक टावर से आपको इस खूबसूरत कोरट सिटी का 360 डिग्री व्यू देखने मिलता है। तो ये है स्काईडेक, लव इज इन द एयर, हमें स्काईडेक 2 में, हमें स्काईडेक 2 में। यहाँ पर गाइस टॉयलेट भी है, अच्छा है स्काईडेक के अंदर टॉयलेट सही है। तो चलिए अब हम फिर से चलते हैं नीचे, यानी कि फिफ्थ फ्लोर पर, यानी कि हॉलीवुड स्ट्रीट में।
टर्मिनल 21 कोराट एक बड़ा थीम शॉपिंग मॉल है जिसके प्रत्येक मंदिर दुनिया भर के एक अलग शहर का प्रतिनिधित्व करती है विद फैमिलियर लैंडमार्क्स फ्रॉम ईच ऑफ द सिटीज। टर्मिनल 21 कोराट में एक्चुअली 7 मंजिल है। प्रत्येक मंदिर की डिजाइन थीम दुनिया भर के 7 शहरों पर आधारित है, कैरेबियन, पेरिस, लंदन, इस्तांबुल, टोक्यो, सैन फ्रांसिस्को और हॉलीवुड। इसलिए जब आप प्रत्येक मंदिर के क्षेत्र में घूमते हैं तो आपको शानदार शहरों का माहौल स्पष्ट रूप से महसूस होगा, जैसे कि आप वास्तविक जीवन में इन शहरों में ही यात्रा कर रहे हो। तो गाइस अभी आपने देखा हम सैन फ्रांसिस्को में आ गए। आप सोचो कि सैन फ्रांसिस्को कैसा है, इन्होंने जो मॉल बनाया है वो हर एक फ्लोर को एक डिफरेंट आकार दिया है। यानी अभी हम ये जो सैन फ्रांसिस्को दिख रहा है सैन फ्रांसिस्को, उसके हिसाब से लोगों ने ये थीम डिज़ाइन किया है, ये फ्लोर डिज़ाइन किया है। स्काई डेक 1 था और नीचे लॉबी थी और ऊपर सबसे टॉप पे स्काई डेक 2 था जहाँ पर हम थे। स्काई डेक 1 इसलिए बंद किया क्योंकि कोविड की वजह से लोगों ने बंद किया, तो इसलिए स्काई डेक 1 में जाना अलाउड नहीं है, स्काई डेक 2 में ही अलाउड है जाना, इसलिए हम 2 में चले गए थे। तो चलो 2 तो 2 मिल गया यार देखने लायक। फ्री में शायद एंट्री थी स्काई डेक 2 की, तो कुछ पैसे से भरने की ज़रूरत नहीं थी। और ये है टर्मिनल 21 ऑफ कोराट। दोस्तों यहाँ का बाथरूम देखो कितना, मतलब सैन फ्रांसिस्को के हिसाब से बाथरूम बनाया है, तो थीम बेस्ड बाथरूम। सभी रेस्टरूम 7 शहरों की थीम और माहौल के आधार पर हाईटेक टॉयलेट्स और डिजाइन किए गए कमरे पेश करते हैं। टॉयलेट्स की शानदार सजावट और उच्च तकनीक से आप निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। हालांकि यहाँ पर टैप नॉब सिर्फ दिखावे के लिए है, जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। तो भाई ये सेंसर पे से यहाँ पे डालोगे तो पानी आएगा, मैं ये घुमा रहा था कब से। ठीक है, नया नया सब सीखना पड़ता है। Each room is different. Yeah. Yeah. Okay. This is San Francisco. Paris. London. Yeah. And bakery. Ah, bakery. Yeah. Terminal 21, all day service, bistro. तो हर एक फ्लोर पर अलग थीम है और उसी थीम के हिसाब से लोगों ने फ्लोर बनाया है। तो जैसे यहाँ पर है वो सैन फ्रांसिस्को के हिसाब से उन्होंने ये जो फ्लोर है वो बनाया। जैसे कि सैन फ्रांसिस्को में इस तरह की ट्राम चलती है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अरे ये तो रोबोट बेस हाँ रोबोटिक होटल था ये। और ये देखो ट्राम गाइस, ये है सैन फ्रांसिस्को की ट्राम जो मैं यहाँ पर हूँ। मेरे साथ कुछ पैसेंजर्स भी है यहाँ पर, तो बस सफ़र कर रहे हैं साथ में। ये बेसिकली एक मॉल है और मॉल का डिज़ाइन कुछ इस तरह से बना हुआ है, तो अच्छा लग रहा है। तो चलिए बाहर जाते हैं, नूम मेरा वेट कर रहे, तो चलिए अब चलते हैं। हाँ, और ये देख रहे हैं आप ये लंदन टावर। तो बेसिकली अलग अलग फ्लोर पर अलग अलग थीम बनाया हुआ है। अब चलते नीचे, अब नीचे जाओगे तो एक अलग थीम मिलेगा, उस नीचे जाओगे तो एक अलग और एक अलग थीम मिलेगा, तो बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। तो भाई अभी हम टोक्यो में एंट्री कर रहे हैं जो कि लेवल 3 है, यानी टोक्यो। तो गाइस ये टोक्यो, मतलब एक ही मॉल में हर कंट्री के दर्शन मिल रहा है मुझे। और सबके टॉयलेट सब जाके देखना, सबके टॉयलेट एकदम अलग रहते हैं। तो ये मेंस का टॉयलेट है, पूरा जापानी फ्लेवर है। हाँ, उनका पूरा जापानी फ्लेवर दिया है यहाँ पर। और टॉयलेट देखो, ज़बरदस्त फ्लेवर है यार जापानीज का। टॉयलेट में रिकॉर्डिंग करा, सोचो अजीब लग रहा है। अद्वितीय टॉयलेट्स और कोराट में सबसे ऊंचा स्काई डेक टर्मिनल 21 कोराट को अन्य शॉपिंग मॉल की तुलना में अधिक उत्कृष्ट बनाता है। तो गाइस ये जापानीज फ्लेवर वाला टॉयलेट, तो अब चलते हैं बाहर। तो गाइस ये जापान, अब हम आगे जापान में घूम रहे। ऊपर था सैन फ्रांसिस्को, नीचे है जापान, पूरा थीम जापानीज के हिसाब से बना हुआ है, तो काफ़ी खूबसूरत है। और ये देखिए,
इस क्षेत्र में घूमते समय आर्टिफिशियल शकुरा पेड़ और लाल जापानी गुब्बारे आपको आराम का एहसास कराएंगे, और यह जापानी शैली में सजी कई इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल की दुकानें भी है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं इस्तांबुल। इस फ्लोर पर ज्यादा कुछ नहीं, बस ब्यूटी एंड हेल्थ शॉप्स, स्टेशनरी शॉप्स और बैंक सच एस SCB बैंकॉक और क्रुंगसरी बैंक और ATM ही दिखाई देंगे। लंदन। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं लंदन, और ये देखिए लंदन की वादियाँ। अराइवल एट लेवल 1 लंदन। जैसे ही आप इस मंदिर में प्रवेश करेंगे, आपको मंदिर के केंद्र में स्थित शानदार बिग बैन क्लॉक टावर का मॉडल स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। यह मंदिर पुरुषों के कपड़े, घड़ियां, खेल और एक्सेसरीज की दुकानों पर केंद्रित है। तो गाइस अभी हम आगे लंदन में, और ये लंदन, तो चलो फोन लगाते हैं। अभी हम जा रहे हैं आगे, यानी ये पूरा लंदन का माहौल है। इस्तांबुल में इतना कुछ था नहीं, बस लाइटिंग वाइटिंग थी, तो नीचे आ गए हम लोग। लंदन में मज़ा आ रहा है एक्चुअली। वही तो यहाँ पर आप अलग अलग तरह के जूते वूते ले सकते हो, काफ़ी सस्ते में मिल रहा है यार यहाँ पे। ये जूते थोड़े हल्के मतलब महंगे हो गए, लेकिन इतने भी महंगे नहीं है, शायद 1200-1300 के मिल रहे हैं। 10 baht एवरीथिंग इज 10 baht। तो गाइस ये 10 baht किसी आपने $1 देखा था शॉप, ये 10 baht शॉप है, तो सब कुछ 10 baht में मिलेगा अभी आपको। With lights, nice. इस मंदिर का वातावरण शांज़ेलिज़े स्ट्रीट जैसा है। पेरिस का वास्तविक दिखने वाला आईफिल टावर भी यही स्थित है। क्योंकि पेरिस फैशन का शहर है, इसलिए हाई फैशन ब्रांड्स के कपड़े, जूते और एक्सेसरीज की दुकानें इसी मंजिल पर है। तो गाइस अभी हम आ गए पेरिस में, और ये आईफिल टावर पेरिस का, और यहाँ पर है कुछ स्टैचू, यानी बेसिकली पेरिस का लुक दिया है, पेरिस का थीम है ये पूरा, और इस तरफ चाइना का भी थीम दिया है यार, पता नहीं क्यों। हाँ चाइनीज न्यू ईयर, इसलिए इस तरफ आपको थोड़ा चाइनीज का थीम देखने मिलेगा, लेकिन है ये पूरा पेरिस का ही फ्लोर, मतलब पूरा पेरिस का थीम से बना हुआ फ्लोर है ये। तो देखिए तो मज़ा आ रहा है यहाँ पर आके। ये है चाइनीज न्यू ईयर 2023, और अब हम इसके अंदर से जाएंगे, और अंदर थोड़ा चाइनीज लुक आपको दिखने मिलेगा, चाइनीज थीम। तो बेसिकली आईफिल टावर के अंदर है चाइनीज लैम्प, तो थोड़ा अलग है, यूनिक है। बाय द वे आपको कोरात में अन्य मॉल की ओर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि टर्मिनल 21 कोरात में उत्कृष्ट गुणवत्ता और वास्तुकला है, जो इस कोरात में अद्वितीय शॉपिंग मॉल और शॉपिंग प्रेमियों के लिए एक आदर्श शॉपिंग मॉल बनाती है। इस बड़े और ब्यूटीफुल मॉल में हमें इतना मजा आ रहा था कि हमने अपनी कुछ तस्वीरें खींची ली। यार क्या कहूँ, आज पूरा दिन ज़बरदस्त, पूरा दिन मतलब बिजी रहा, एक्सप्लोर करने में बिजी रहा, तो मज़ा आ गया। अभी भी एक्सप्लोर होना, मतलब अभी भी टाइम हो रहे है 8:30, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ एक्सप्लोर करना, अभी भी हम लोग कर ही रहे एक्सप्लोर, लेकिन मज़ा आ रहा है यार, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत खुश हूँ मैं आज इनके सबके साथ। ये फैमिली जब भी इंडिया में आएगी, कोई भी कंट्री में आएगी, और जिस कंट्री में मैं रहूँगा वहाँ पर मैं इनका मतलब बहुत ख्याल रखने वाला, बहुत मैं और मेरी फैमिली, तो मेरी फैमिली वैसे भी है ही वैसी कि जो भी आता है मेरे घर में उसका हम ख्याल रखते ही है, मतलब हद से ज़्यादा ख्याल रखते हैं, जितना अपना नहीं रखते उतना सामने वाले का रखते हैं हम, तो बस इनका तो मतलब मैं क्या कहूँ हर एक चीज़ का ख्याल रखूँगा मैं इनके लिए भी, जैसे मैं सबके लिए रखता हूँ। तो गाइस ये फोटोग्राफ, तो कभी आपको फ़ोटो वोटो निकालना हो तो यहाँ पर आप फ़ोटो निकाल सकते हो, यानी ऐसे एयरपोर्ट में भी रहता है मुझे पता चला है। अगर आप समझो थाईलैंड आ रहे हो, अगर आप फ़ोटो निकालना भूल गए हो तो टेंशन मत लो, एयरपोर्ट पर आप निकाल सकते हो। हाँ एक बात का टेंशन रहेगा कि 300 baht में आपका फ़ोटो आएगा, यानी 700 रुपये के आसपास में आपका फ़ोटो आएगा, जो बहुत महंगा पड़ेगा, तो फ़ोटो कैरी कर लेना। मैं तो रिजीत को थैंक्स करना चाहूँगा कि रिजीत ने मेरे लिए मतलब मेरा फ़ोटो का उसने
निकाल के लाया था, मतलब मैंने उसको सॉफ्ट कॉपी भेजा था और उसने उसका प्रिंट आउट मतलब प्रिंट करके लेके आया था मेरे लिए, पूरा फोटो कॉपी बना के लेके आया था 12 का कुछ। तो थैंक्स रिजित, कहाँ पर भी होगा रिजित, अभी कोलकाता में ही होगा अगर देख रहा होगा तो थैंक्स सो मच रिजित। रिजित को तो हम भूल ही नहीं सकते, रिजित तो एकदम एंटिक पीस है, एंटिक, उसको भूलने वाली चीज़ नहीं है, देखा ही होगा आपने। यहीं से हम आए थे और अब यहीं से एग्जिट करने वाले हैं, तो चलो अब निकलते हैं यहाँ से बाहर।